और मैं अपनी हिस्ट्री बताऊंगा तो जो जितने भी नए लोग बैठे हैं उससे इंस्पायर होंगे कि मैं क्या था, क्या से क्या बन गया। तो मैं जब इसमें आया था तो मैं इससे पहले बीमार था और मेरे मुंह आने की दिक्कत थी, मुंह में छाले पड़ते थे और 4-5 साल लगातार हो चुके थे और दिक्कत बनी हुई थी। तो मैं धन्यवाद दूंगा अमरीश पांचाल जी को जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सोम साहब आपका इलाज मिल गया है। मैंने कि अगर मेरा इलाज मिल गया, मैं बहुत परेशान हूँ और मिल गया है तो मैं तुरंत दे दो। इन्होंने मुझे एफओएस जिंक दिए और मैं 2 महीने तक कहा कि मैं इसका वेट करूंगा कि इलाज रिजल्ट अच्छा है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मात्र 2 महीने मैंने वो यूज किए और उस 2 महीने के बाद आज से 2014 15 से मैं काम कर रहा हूँ, तब से आज तक मेरे मुंह में छाले आने की दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा जब कमाल मेरे साथ हुआ तो मैंने अमरीश जी के को बुलाया और अमरीश जी के साथ बैठा कि अगर मेरे साथ इतने अच्छा हो सकता है, मैं अगर ठीक हो सकता हूँ तो मैं सारे जितने भी जानकार हैं, जितने मेरी दुनिया जानकार है, मैं सबको उनकी हेल्प दे सकता हूँ। तब मैंने ये काम शुरू किया। तो गुप्ता इन्होंने अमरीश जी ने मुझे जैन साहब वाले फ्रेंचाइजी बैठा के और गुप्ता जी के साथ बैठाया, शेख साहब के साथ बैठाया, जितने मेरे सीनियर हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी गाइडलाइन में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे एक बात समझ में आ चुकी थी कि ये काम मेरी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि तो मैं इससे पहले जो मेरी लाइफ थी इतनी बिजी थी, मैं ट्यूशन पढ़ाता था और सुबह से शाम तक रात तक केवल लंच डिनर और ट्यूशन, बस यही काम था, बाकी कोई मेरे पास समय नहीं था। और जब मुझे प्लान बताया तो मुझे एक समझ में आया कि यहाँ पैसा भी है, समय भी है और समय को एंजॉयमेंट करने के लिए भी टाइम मिलेगा, यानी पूरी दुनिया घूमने का टाइम मिलेगा। तब तो मैंने एक लक्ष्य बनाया, टारगेट बनाया कि ये काम वास्तव में, जब मैंने मनोज जावा जी को देखा, जैन साहब को देखा, शेख साहब को देखा, इन सबको देखा। ठीक हुआ तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया और मैंने इसको समझ के टारगेट बनाया कि मैं इसमें फुल टाइम काम करूंगा। और जो भी मैं काम कर रहा था अपने परिवार को पालने के लिए, सारे काम मैंने छोड़ दिए और मैं फुल टाइम ट्यांस में काम शुरू किया। और मैंने पहली साल ट्यांस को इस तरीके से किया जैसे एक जॉब वाला बंदा सुबह घर से निकलता है और शाम को घर में आता है। मैंने पूरे दिल से, और पर डे कोई छुट्टी नहीं होती थी, ना बरसात में देखता था, ना गर्मी देखता था, ना सर्दी देखता था। और इस तरह से जब मैंने इसको काम किया तो बहुत अच्छा एक नेटवर्क तैयार हुआ और बहुत लोगों को मैंने सिखाया। और वो लोगों ने जब काम करना शुरू किया और इससे जब मेरी अर्निंग हुई, अर्निंग होने के बाद तो मेरी लाइफ में पहला बदलाव आया कि मैंने इससे एक कार ली इसकी कमाई से। और वो कार भी मैंने लग्जरी ली, जो होंडा सिटी गाड़ी होती है होंडा वालों की, वो मैंने इससे ली। और मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में ये पहला बदलाव था। जब मेरी होंडा सिटी गाड़ी आई थी तब मैं 40 साल की उम्र में था और 40 साल की उम्र तक मैं केवल बाइक पर सफर करता था। बच्चे भी मेरे बाइक पर सफर करते थे, लेकिन ट्यांसी ने मेरी लाइफ में ये बदलाव आया। और मात्र मुझे 1.5 साल लगा और इस 1.5 साल में ही मैं परिवार का पहला बंदा, और इस उम्र तक कोई भी टूर की बात नहीं सोचते थे, लेकिन ट्यांसी में जब आए तो लोग, इन्होंने सीनियरों ने बताया कि यहाँ टूर मिलते हैं। तो दुबई टूर आया, मैंने अचीव किया। हम पहली बार जब हवाई जहाज में एंटर हुए तो एहसास हुआ कि लोग पैसे वाले कैसा सफर करते हैं। हम ये सोचते हैं कौन लोग जाते होंगे, लेकिन जब वहां एंटर हुए तो हवाई जहाज जरा देर में फुल हो गया, उड़ा और हम दुबई की धरती पर उतरे। और दुबई में ऐसा हमारा सम्मान हुआ, ऐसे हमारे ट्रीट हुआ कि जो एक आम, जो पैसे वाला इंसान है वो भी अपने पैसे को बचाएगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं। कंपनी इस तरह से हमारा मतलब सम्मान करती है और हमारा इतना एंजॉयमेंट कराती है। ये सब कुछ हुआ तो ट्यांसी के बदलत हुआ। और उस 1.5 साल के बाद आज तक मैं कार यूजर हूँ। जो 40 साल की उम्र तक एक बाइक से अपनी कार के लिए कभी सोच नहीं पाया, ये सब ट्यांसी के बदलत हुआ। जितने लोग नए सुन रहे हैं, ये मेरे से ये सीख है कि यहाँ सब कुछ संभव है, बशर्ते अगर आपने प्लानिंग की और सिखाया और सीखा। यहाँ कोई नया काम नहीं करना, केवल सीखना और सिखाना है, और सीखना उससे है जो सफल है। क्योंकि मैंने हमेशा मनोज जावाई से सीखा है, शेख साहब से सीखा है, पॉल साहब से सीखा है,
SS गुप्ता जी सीखा है, अमरीश जी से सीख रहा हूँ। अमरीश जी मेरी उल्टी पढ़ाई करते हैं, मैं थोड़ा उनसे एज में बड़ा हूँ तो वो मेरी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सच्चाई है मैं सबसे सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब तक सीखा जाए, किसी बच्चे से सीखो, किसी जूनियर से सीखो, किसी सीनियर से सीखो, सीखने सिखाने का काम है। क्योंकि पॉल साहब ने एक चीज बताई थी कि ऊपर से सीखो कैसे कैसे, नीचे बता दो ऐसे, बीच में कमाओ हमेशा पैसे। उसी गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ, और जितने भी मेरे लक्ष्य बने हुए हैं, पहले मेरा कार का भी लक्ष्य नहीं था, आज बड़ी गाड़ी का मैं एंजॉयमेंट ले रहा हूँ, और बड़े मतलब टूरों का एंजॉयमेंट ले रहा हूँ। मैं कईयों देशों की यात्रा कर चुका हूँ, और कईयों देशों की यात्रा करके क्या पूरे वर्ल्ड घूमने का अगर ध्यान सिंह ने ठेका ले रखा है, तो हम क्यों ना इसमें काम करें। और साथ साथ जो हमारी टीम है, उन टीम को मेरा ये लक्ष्य है कि सबके घरों में लाख रुपए आए, और सारी टीम जो मेरे साथ काम कर रही है, सारी की सारी पूरी दुनिया घूमे, इस प्रयास में हम प्लानिंग करते रहते हैं और उन्हें समझाते रहते हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि इस ट्यांसी प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को दो चीज में, जो एक चीज है वो हेल्थ, कि दुनिया में हम कहीं भी काम कर लें, दुनिया के कितने भी लोग काम कर रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे लेकिन सेहत को भूल जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये चीज नहीं चखनी, ये चीज नहीं खानी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो उस पैसे का क्या स्वाद। लेकिन ट्यांसी में जितने भी लोग काम करते हैं, जब सप्लीमेंट को समझ में आते हैं तो सप्लीमेंट यूज करते हैं, और सप्लीमेंट यूज करते हैं तो सेहतमंद होते हैं। यानी कि सबसे पहले सेहत बनती है, और सेहत बनाते बनाते अपनी सेहत बनाते बनाते और दूसरों को सेहत बनाते बनाते यहाँ लोग अमीर हो रहे हैं। जितने लोगों को हम सुन रहे हैं, जितने सीनियर को हम सुन रहे हैं, सब अमीर हो चुके हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास बंगले हैं, कई कई प्रॉपर्टी हैं। ये सब कहाँ से हुआ? एक ट्यांसी से हुआ। अगर ट्यांसी में ऐसा संभव है तो हम भी सीखें और लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं। हर इंसान अमीर बनना नहीं चाहता, वो अलग बात है, करना नहीं चाहता वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ सब कुछ संभव है। ये समुन्द्र है, जितना यहाँ से पानी निकालना चाहो, जैसे समुद्र में से आप जितना पानी निकालना चाहो तो समुद्र कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ट्यांसी प्लेटफॉर्म है, जितना आप कमाना चाहो, आपका टारगेट अगर 1 करोड़ महीने का है यहाँ से मिल जाएगा, आपका टारगेट 10 करोड़ महीने का यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। लोगों के पास अपने अपने जहाज हैं, ऐसे लोगों को हमने वीडियो में देखा है, तो यहाँ से सब कुछ संभव है। तो जितने लोग नए बैठे हैं इस चैनल में, इसमें ये समझ लें कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लान, ऐसी इनकम, ऐसे पैसे देने वाला प्लेटफॉर्म मुझे कहीं समझ में ना आया। अगर मैं ट्यूशन के साथ में थोड़ी सी अपनी और आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी कंपनियों में अपना लक आजमाया है, सारी कंपनियां आई और सब निकल के भगी हैं, यानी कि सारी बंद हुई हैं। लेकिन जब मैं ट्यांसी में आया तो मैंने इसका बेस देखा, और बेस देखने के बाद समझ में आया कि यहाँ इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, केवल टिके रहो, जमे रहो, लगे रहो, और निरंतरता सीखते रहो और सिखाते रहो। इसमें आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी लाइफ चेंज होगी, और आपके परिवार की लाइफ चेंज होगी, आपकी पीढ़ियों की लाइफ चेंज होगी। ये चीज अगर हम देखें तो ये काम करने लायक है। और हमारे साथ ऐसा अगर हो रहा है कि हम गाड़ियों में अगर चल रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, आज पैसे का मजा ले रहे हैं, रॉयल्टी का मजा ले रहे हैं, तो आप सब जो भी लोग नए सुन रहे हैं, सबको यह मिलने वाला है, बशर्ते क्या करना है, केवल सीखना है। और सीखना भी किससे है? जो सफल लोग हैं। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि हम अगर किसी से पूछते हैं कि इस काम को कर लें, अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं या हमें कोई दिक्कत है, मान लिया मुझे बुखार आया है और मैं जाऊं वकील से पूछने का, वकील साहब मेरा बुखार उतार दो, क्या उतार देंगे? नहीं उतारेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो लोग सफल हैं, उन्हीं लोगों से सीखो और उनके साथ अपने लोगों को सिखाओ, और हमेशा बीच में पैसे कमाते रहो। इसी के साथ